बढ़िया मौसम, लेट्स गो, एकदम एक लाइन में ट्रेवल हो रहा है। गुड, ना कोई जर्किंग ट्रैप का यूज नहीं है, सिर्फ जहाँ लोड पड़ना से वही पड़ रहा है। कितना ही वर्कआउट का वीडियोस देखोगे, थोड़ा खाना भी देख लो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ कल का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आज है हम लोगों का शोल्डर का वर्कआउट, शोल्डर्स और एब्स। अभी मैं मार रहा हूँ अपना कॉफी का शॉट। सुमित, ऑल सेट, आज रेडी? कल का वर्कआउट का आफ्टर इफेक्ट्स कैसा था? कैसा लग रहा है? स्लो लग रहा है, स्लो लग रहा है, लेकिन वर्कआउट तो अच्छा हुआ ना? वर्कआउट अच्छा हुआ इसीलिए लग रहा है, थोड़ा फैटिक रिकवरी मतलब पूरा नहीं हुआ अच्छे से। नींद नींद का पूरा नहीं हुआ। और खाना, डाइट तो ठीक चल रहा है? चलिए तो अपना शॉट मारते हैं फिर, हाँ शुरू करते हैं। शुरू करते हैं वर्कआउट। चलिए आज वर्कआउट करने से पहले अभी फिलहाल मेरा वेट कितना है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब पूरा कपड़ा तो उतार नहीं सकता, जैकेट उतार लेता हूँ और अपना शूज भी उतार लेता हूँ, पहन लिया था मैंने। देखते अपना वेट कितना है। सुमित झूम कर देना, कितना है? 96 ही है, 95.9। अभी अपने पास कितना टाइम है और है 3 महीना है और ये अभी अपना अभी क्या चल रहा है? फरवरी 3.5 महीना है, फरवरी मार्च अप्रैल। मैंने क्या बोला था? 105 श्योर है, 105। लास्ट बार 93 में मेरा बल्किंग खत्म हुआ था, इस बार मैंने शुरू किया है 90, उस दिन कितना था? 93 था, 93.2, आज 95.9, ऑलमोस्ट 96। सही जा रहा है, मतलब ट्रेनिंग ऑन पॉइंट, सही है ब्रो। ऑल थैंक्स टू यू, ट्रेनिंग इसके वजह से हो रहा है इम्प्रूव। अभी इंटेंसिटी कल कट करके बहुत अच्छा लगे। शोल्डर्स का हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ओवरहेड बारबेल प्रेस या मिलिट्री प्रेस जो भी बोलो आप, लेकिन वेट आज ज़्यादा नहीं जा रहा है, हालांकि है हेवी है। ये हम लोगों का सेकेंड लास्ट सेट है, इसके बाद एक और सेट मारेंगे 5 सेट्स, लेकिन ये जो बार आप लोग देख रहे हो ना ये बहुत हेवी है। कितना? 25 किलो का है। 25 किलो का ये बार तुमने लाया कहाँ से? ये एक्चुअली बुल रॉक्स का है, स्क्वाट बार है ये, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्क्वाट के लिए। अच्छा, स्क्वाट्स के लिए? स्क्वाट्स के लिए ये। और ये भारी क्यों लग रहा है? क्योंकि ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है ना, हाँ। इसका जो फोर्स है अमेजिंग में शिफ्ट होता है, स्क्वाट के लिए होता है ताकि जो लोड पूरा सेंटर में आए, लोड में आए, तो इसलिए ये ज़्यादा फील है, मतलब जो ऐसे ऐसे हिलने वाला चीज़ नहीं होगा इसमें, स्टेबल रहता है। 25 किलो का बार है देखिए, और बहुत मोटा है, तो मोटा भी है, मोटा है, लेंथ भी। और जो इसका सरकमफेरेंस है ना ये 32 mm का है, 32 mm का है, मतलब पुश करने में ज़्यादा वो लग रहा है क्योंकि मोटा हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इससे अगर आप करते रहो ना, बाकी अगर कहीं और करोगे इजी लगेगा। चलिए तो सेकेंड लास्ट सेट देखते हैं कितना रेप खींच सकते हैं। 12 ट्राई करेंगे, 12 जाएगा ना? सही जा रहा है, फॉर्म सही था एकदम। चलिए ये
चलो घूमो चलो चलो गो वन मोर अप अप ओ Intensity boy, let's go. Focus. Nice, let's go. आज वर्कआउट जो है पूरा अच्छा इंटेंसिटी फुल पावर के साथ कर रहा हूँ. आज का जो मील था सुबह दैट वॉज वेरी गुड. ऑल थैंक्स टू माई मॉम. और अच्छे से तगड़ा आपका दबा के खाया अच्छे से. ब्रेकफास्ट में मैंने क्या लिया है वो आप लोग देख लो. मैं अपना वर्कआउट करता हूँ. अपराइट के बाद अभी हम लोग लगाएंगे साइड लेटरल्स, उसके बाद रियर लेटरल्स. फिलहाल आप लोग आज का ब्रेकफास्ट देख लो क्या क्या मैंने खाया है. ये देखिए आज का ब्रेकफास्ट. इसमें है 6 एग वाइट्स. फिर ये है बैंगन का भरता. ये मम्मी ने दिया है. ये एक्चुअली मैंने बोला नहीं था, ये मम्मी का प्यार है ये. और ये मतलब आइडियली आज मुझे खाना है. और ये मम्मी ने दिया है बैंगन का भरता. इसमें तेल नहीं है लेकिन घी में मम्मी ने वो मैश करके दिया है. और ये अगर आप लोगों को लगता है कि ये व्हीट है तो इसमें व्हीट नहीं है, थोड़ा सा है व्हीट. बाकी बाजरा, रागी एंड सीड्स वगैरह जितने भी है, थोड़ा सा नट्स का भी मतलब उसको वो किया है, कूटा था, सब मिक्स करके ये बनाया है. तो दिस इज़ नॉट ए पराठा. इसमें भी थोड़ा सा ही घी लगा है. और अंदर इसके अंदर देख सकते हो आप लोग, ये है मटर. मटर को पूरा पीस के मम्मी ने डाल लिया है. तो ये है आज का ब्रेकफास्ट, सिंपल. ओके चलते हैं वापस अभी जिम. यही इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा था. देख लिया ना ब्रेकफास्ट में मैंने क्या लिया है. अभी हम लोग इसके बाद लगाएंगे रियर डेट्स. अभी हम लोग लगा रहे हैं रियर डेट्स. साइड लेटरल भी खत्म, एंटीरियर डेल्टॉइड हो गया, साइड लेटरल सब. अभी हम लोग लगा रहे हैं पोस्टीरियर डेल्टॉइड. सही सर इसमें हाँ हाइट भी अच्छा है, इसे फिल करो. रेप्स 15 तक ले जाओ. हाँ 15 ले जाओ. सुपर सेट है इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा वेट नहीं लिया है. फाइव मोर ना. हाँ भैया लेट्स गो. एकदम एक लाइन में ट्रेवल हो रहा है. गुड. ना कोई जर्किंग ट्रैप का यूज़ नहीं है, सिर्फ जहाँ लोड पड़ना चाहिए वहाँ ही पड़ रहा है. इसके साथ हम लोगों ने फेस पुल का सुपर सेट. इसमें जो तुम हमने बोला था ना फ्रंट डबल वाला वो किस. हाँ इसमें क्या होता है, आपको माइंड में रखना है कि जैसे अपने फ्रंट डबल पोस्ट करते हैं ना सेम वैसे इसको अपना एल्बो को ज़्यादा पीछे नहीं लेना है. एल्बो को यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर देना है, शोल्डर का लाइन में रेस्ट्रिक्ट कर देना है. और आपका जो ऊपर आपने जो जहाँ पकड़ा है रोप को पुल करना है. ठीक है मतलब सेम फुल स्ट्रेच. हाँ. फिर इस पॉइंट पे आके फिर फ्रंट डबल बाइसेप्स. सेम माइंड में रखिए कि मैं पोजिंग कर रहा हूँ फ्रंट डबल बाइसेप्स का. मैं पहले गलती क्या करता था
पुल करते जाओ। हाँ, ऐसे ये इसमें क्या होता है, ऐसे पुल करेंगे तो आपका ट्राइसेप्स और बैक यूज होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप ये रोटेशन कर देंगे ना इसको, ये हाथ को आप रोटेट करेंगे तब देखिएगा ये सब इन्वॉल्वमेंट कम जाएगा और इसमें लोड आ जाएगा पूरा सीधा। जब जैसे ही हम लोग मूवमेंट ऐसे कर देते हैं लोड सीधा शिफ्ट हो जाता। तो आज का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, आज जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया। कल तो ऑलमोस्ट 6 PM हो गया था, आज जल्दी ख़त्म हो गया। अभी जाऊंगा वापस, देन आई विल हैव माय मील, उसके बाद ट्राई करूंगा कि सो जाओ। आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, शॉर्ट ही वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कल गुवाहाटी में है आईएफए क्लासिक, तो वो गुवाहाटी में है। तो कल सुबह मैं जा रहा हूँ, सुमित जा रहे हैं, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं वो इवेंट को अटेंड करने, ताकि हम लोग वापस भी आ जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।